हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज का लेक्चर साइकॉन और स्काइफा, जिसे कि अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में है। तो आइए जाने कि ये एनिमल किस तरह का है, किस तरह का इसका हैबिट एंड हैबिटेट है, और इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। सो फ्रेंड्स, स्काइफा, जिसे कि साइकॉन भी बोला जाता है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर जानने के पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जान लेते हैं। तो इसे फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। पोरीफेरा में रखने का रीज़न ये है कि पोरी मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जिनके बॉडी छिद्रयुक्त होती है, उस तरह के एनिमल्स को पोरीफेरा में रखा जाता है। तो ये समुद्री पानी और साथ ही ये मीठे पानी में भी मिलने वाले जीव हैं। इसके अलावा जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो सेल्स हैं वही डिफरेंशिएट होके अलग अलग वर्क के लिए वो मॉडिफाई हो जाती हैं, लेकिन टिश्यूज़ नहीं बनाती हैं वो मिल के। तो आप कह सकते हैं कि टिश्यू इन एनिमल्स में एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो इनकी बॉडी है, उसमें कोइनोसाइट्स, जो कि इनकी एक डर्मल लेयर है, वो मिलती है। इस वजह से इसको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। नेक्स्ट इसका टेक्सोनॉमिक पोजीशन है क्लास, और इसका क्लास है कैलकेरिया। कैलकेरिया में रखने के पीछे इसका रीज़न ये है कि इसकी बॉडी जो है कैलकेरियस है। कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, इस वजह से इसको जो है कैलकेरिया में रखा गया है। इसके साथ ही ये सॉलिट्री यानी कि अकेला रहने वाला जीव है, या फिर ये कॉलोनी बना के भी रह सकता है, और जो इसकी बॉडी है वो वास शेप होती है। इसके अलावा ये पूरी तरह से समुद्री जीव है, इस वजह से इसको क्लास कैलकेरिया दिया गया है। इसके बाद इसे ऑर्डर हेट्रोसिला में रखा गया है। इसमें रखने का रीज़न ये है कि जो ये साइकॉन स्पॉन्ज है, इसकी बॉडी वॉल बहुत थिक होती है। इसके अलावा बॉडी में इसके फोल्ड्स होते हैं, जैसे जो आपके इनकरंट एंड रेडियल कैनाल जो इसकी बॉडी बनाती है, वो इसके फोल्ड्स हैं इस वजह से। इसके साथ ही इसमें जो रेडियल कैनाल है, वो कोइनोडर्म नाम की डर्मल लेयर की उसमें लाइनिंग होती है, इस वजह से इसको ऑर्डर हेट्रोसिला में रखा गया है। इसके बाद इसे फैमिली साइटिडी में रखा गया है। फैमिली साइटिडी में वो एनिमल या वो स्पॉन्जेस रखे गए हैं जिनकी बॉडी में डर्मल लेयर पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स की बनी होती है। इसके अलावा पूरी बॉडी जो है नीडल लाइक स्पीक्यूल्स से घिरी हुई रहती है, और इस वजह से वो एक हेयरी लाइक उसको अपेयरेंस देती है इस वजह से। इसके अलावा इसकी बॉडी पोरस है और वास शेप है, इस वजह से इसको फैमिली साइटिडी में रखा गया है। और लास्टली इसका जीनस नेम है साइकॉन, और इसे स्काइफा भी बोलते हैं, क्योंकि स्काइफोस का मतलब ग्रीक में होता है कप लाइक। तो इसकी बॉडी जो है वो कप लाइक होती है, इस वजह से इसका नाम है स्काइफा। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्काइफा और साइकॉन जो है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सभी जगह मिलने वाला एनिमल है, लेकिन ये बहुतायत में नॉर्थ अटलांटिक शोर्स में मिलता है। इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखने पे हमें पता चलता है कि ये पूरी तरह से एक समुद्री जीव है, यानी कि नमकीन पानी में रहने वाला स्पॉन्ज है। इसके अलावा ये अकेले रह सकता है या कॉलोनी बना के कॉलोनियल फॉर्म में भी रहता है, और हमेशा किसी सबस्ट्रेटम से ये चिपका हुआ दिखाई देता है। और जो इसकी कॉलोनी है, वो ये अपनी एक इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे बडिंग कहते हैं, उसके थ्रू ये अपनी कॉलोनी बना सकता है। इसके अलावा ये जब भी आपको दिखाई देंगे, तो परमानेंटली या तो आधे डूबे हुए पत्थरों के ऊपर लगा हुआ ये दिखाई देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ आपको ये दिखाई देगा। तो इसके जो सबस्ट्रेटम है, उससे इसका जो बेस है इसकी बॉडी का, वो अटैच रहता है इस वजह से। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी बॉडी में जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, वो एक तरह का ग्लू लाइक सिक्रेशन वो अपनी बॉडी से इसके निकलती है, जिसकी वजह से वो इसको सबस्ट्रेटम या किसी भी आधार से चिपकने में इसको हेल्प करता है। इसको कॉमनली अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं।
अर्न स्पॉन्ज नाम देने के पीछे रीजन है इसका जो बॉडी का शेप है। अर्न मतलब है कि जो बड़े बड़े से पीपे लाइक जैसे जो होते हैं मटके से, आपने महलों में भी देखे होंगे उस तरह के, तो उस तरह का इसका शेप होने की वजह से इसको अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं। और दूसरा इसका कॉमन नेम क्राउन स्पॉन्ज भी इसको दिया गया है, क्योंकि जो इसका ऑस्कुलम के पास में जो इसका ऑस्कुलर फ्रिंज ऑफ मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स जो बोलते हैं जिसे, वो इसको एक क्राउन लाइक अपेयरेंस देता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्राउन स्पॉन्ज भी रखा गया है। तो इस सेगमेंट में इतना ही, नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि स्काइफा का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये कैसा दिखाई देता है। इस स्लाइड में आपको स्काइफा की एक कॉलोनी दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपको दो अडल्ट स्काइफा और साथ में उसकी एक बर्ड दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको इसके सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चलते जाएगा। तो अभी इसका जो एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो इसका एक्सटर्नल आप फीचर्स आप जान सकते हैं, तो वो इस फिगर के थ्रू आप जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो बॉडी है वो वाश शेप होती है, इस वजह से इसका नाम जो है अर्न स्पॉन्ज दिया गया है। और साथ ही मैंने कहा था कि इसका दूसरा कॉमन नेम है क्राउन स्पॉन्ज। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ऑस्कुलम लिखा है उसके नीचे ऑस्कुलर फ्रिंज ऑफ मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये इसको एक मुकुट की तरह का अपेयरेंस देता है, जिस वजह से इसका नाम क्राउन स्पॉन्ज भी रखा गया है। इसकी बॉडी आप देख सकते हैं कि एक सबस्ट्रेटम से यानी कि एक आधार से जुड़ी हुई है, और जिस हिस्से से ये जुड़ा हुआ है उस हिस्से को बेस कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इस वजह से इससे जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि इसकी बॉडी के जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उससे एक ग्लू लाइक सिक्रीशन निकलता है, जो इसको किसी भी सबस्ट्रेटम में चिपकने में हेल्प करता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी बॉडी में बहुत फाइन निडल लाइक यानी कि सुई की तरह के बहुत फाइन जो है स्पिक्यूल्स होते हैं, जो इसकी पूरी बॉडी में एक हेयरी प्रोजेक्शन देते हैं, मतलब कि हेयरी लुक देते हैं। तो उसे जो है आप स्पिक्यूल्स या एक्सियोटीज भी बोलते हैं इनको। इनके बीच में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। डर्मल ऑस्टिया इसकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और ये कैनाल सिस्टम का एक पार्ट है। और बॉडी जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल भी आपको दिखाई दे रही है, और जो इसका फ्री एंड है वहाँ पे आपको एक और इसका पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, और उसी के नीचे ऑस्कुलर फ्रिंज ऑफ मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट कॉलोनी है स्काइफा की। अगले सेक्शन में हम इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटेल में हम इसको जानेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है, इसका बॉडी फॉर्म कैसा है। तो फ्रेंड्स, स्काइफा और साइकोन के स्ट्रक्चर को हम तीन सब हेडिंग के जरिए हम इसको जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो सब हेडिंग्स हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि ये बाहर से कैसा दिखाई देता है। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैनाल सिस्टम के जरिए जानते हैं, और लास्टली ये इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये इसमें जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो इसके थ्रू हम साइकोन और स्काइफा के पूरे स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आइए अब इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका शेप, तो शेप वाइज साइकोन की बॉडी जो है वाश शेप होती है या सिलेंड्रिकल आप कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल होती है। और इसका जब हम साइज देखते हैं तो वो 1 से 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 5 से 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। और जो इसकी बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है, यानी कि आप जब इसको एक किसी पर्टिकुलर प्लेन से आप इसको कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो सकता है। कलर वाइज इसकी बॉडी ग्रे से ग्रे हो सकती है या फिर लाइट ब्राउन हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बॉडी का बेस यानी कि जिससे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, तो उस बेस के साथ में कुछ ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको बट कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया वो इसके एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, और आप कह सकते हैं उसके थ्रू ये कॉलोनी फॉर्म में भी रहता है।
इसके साथ ही जब हम इसका फ्री एंड देखते हैं तो वहाँ पे ऑस्कुलम नाम का एक और इसका बॉडी पार्ट है जो कि एक पोर है, और इस पोर में कई सारे नीडल लाइक जो है कैलकेरियस मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, और इन जो मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स या फ्रिंज जिसे बोलते हैं, इसका मेन काम जो है वो इसकी बॉडी में जो छोटे छोटे एनिमल्स जो घुसते हैं उनको चेक करना इसका वर्क है। जब हम साइकॉन का बॉडी कवरिंग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सुई की तरह की बहुत फाइन जो है भाले की तरह के जो दिखाई देते हैं उस तरह के स्पिक्यूल्स निकले रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिमेट्री में अरेंज रहते हैं, और इनके बीच में बहुत छोटे छोटे से पोर्स रहते हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये इसकी पूरी बॉडी को एक हेयरी लाइक अपीयरेंस देते हैं, और इन जो स्पिक्यूल्स हैं इन्हें एक्जोटीज भी बोला जाता है। इनके बीच में जो छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं, और इस ऑस्टिया को जो है आप इसकी पूरी बॉडी में देख सकते हैं, और ये ऑस्टिया जो इसका कैनाल सिस्टम है उसका एक मेन पार्ट है, क्योंकि ये इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग में है तो इस वजह से इनका दूसरा नाम डर्मल ऑस्टिया भी है। और जैसा कि मैंने बताया इसका मेन जो फंक्शन है वो कैनाल सिस्टम में है, और यही वो पार्ट है जिसके थ्रू बाहर से पानी इसकी बॉडी के अंदर घुसता है और स्पॉन्जोसील, और उसके बाद फिर इसकी बॉडी से बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। इस सेगमेंट में आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्काइफा दिखाया गया है जिसके अंदर आप उसके डिफरेंट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर और उसके साथ ही कैनाल सिस्टम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें ताकि धीरे धीरे आपको आगे जब हम इन स्ट्रक्चर्स का डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, इसका सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ हिस्सा उसको बोलते हैं बेस, और इसकी पूरी बॉडी में बहुत फाइन नीडल लाइक जो है वो कांटे की तरह के कुछ दिखाई देते हैं जिसे स्पिक्यूल्स बोलते हैं, जो इसकी पूरी बॉडी को घेरे रखते हैं, और इन्हें इस जो है एक ये एक हेयर इसकी बॉडी को अपेयरेंस देते हैं। इनके बीच में बहुत सारे मैंने बताया कि जो ये स्पिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से अलग अलग इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, और क्योंकि ये इसकी बॉडी के आउटर कवरिंग यानी कि आउटर डर्मल लेयर में है तो इस वजह से उनको डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। तो डर्मल ऑस्टिया आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको इसमें इनकरंट कैनाल, उसके बाद आपको रेडियल कैनाल जो कि इसकी बॉडी का जैसे कि मैंने बताया कि फोल्ड होता है इसकी बॉडी में फोल्ड, तो इनकरन कैनाल है जैसे रेडियल कैनाल है, उसके बाद आप उनके बीच में फिर थोड़ा गैप देख रहे हैं जिसे प्रोसोपाइल बोलते हैं, इसी तरह से आपको स्पॉन्जोसील से लगा हुआ आपको एपोपाइल दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इसका जो फ्री एंड है वहाँ पे आपको ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है जो कि एक पोर है जो इसके स्पॉन्जोसील से जुड़ा हुआ है और बाहर की ओर खुलता है, और इसी में आपको जो ऑस्कुलर फ्रिंज है जैसा कि मैंने बताया कि जो इसे एक क्राउन लाइक अपेयरेंस देते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक क्राउन लाइक ही अपेयरेंस दे रहे हैं, इस वजह से इसका नाम क्राउन स्पंज भी है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं मीजेनकाइम यानी कि जो इसके रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल के बीच में जो एक गैप है वहाँ पे उस हिस्से को मीजेनकाइम कहते हैं। तो ये एक एलएस है स्काइफा का, तो आप कोशिश करें कि इस फिगर को भी आप लर्न कर लें। सो फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको स्काइफा के बॉडी का एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाया गया है जिसमें इसके बॉडी के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं कैनाल सिस्टम के साथ दिखाए गए हैं। तो देखने में ये थोड़ा टफ लगता है ये स्ट्रक्चर, और लगता है कि बनाने में भी टफ होगा, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर आपका वे है इसको बनाने का। तो आप इसको पहले एस शेप में बनाएं और उसको फिर उसको एक डबल लेयरिंग कर दें, और उसके बाद फिर उसका डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ईजी है बनाने में, और ये मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर लर्न कर ले, क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रक्चर लर्न कर लिया तो आप स्काइफा के बारे में इसका
पूरा आप आसानी से आप इसके बारे में लिख पाएंगे और जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी एनिमल है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिर्फ इसको थोड़ा आपको समझना है। तो जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके जो बॉडी की जो लाइनिंग है जिसको डर्मल लेयर बोलते हैं। तो इसकी बॉडी जो है वो दो तरह की डर्मल लेयर से बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस में आप इसको अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें दो तरह से इसकी डर्मल लेयर के साथ में स्टडी कर सकते हैं। बाहरी वाली जो इसकी डर्मल लेयर है, क्योंकि वो बाहर को कवर कर रही है इसकी बॉडी को, तो उसे बोलते हैं पिनेकोसाइट। और ये पिनेकोसाइट्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलेंगे एक्सोपिनेकोडर्म और दूसरा बोलेंगे एंडोपिनेकोडर्म। तो जो एक्सोपिनेकोडर्म है इसकी जो ऑस्टियम है या ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, इन दोनों को छोड़ के इसकी बॉडी में सभी जगह जो है पिनेकोसाइट्स की लेयरिंग पाई जाती है। और जो अंदर की ओर यानी कि जो इनकरंट कैनाल की इनर लाइनिंग को जो पिनेकोसाइट जो घेरे रखते हैं उसको हम कहेंगे एंडोपिनेकोडम, और जो बाहर की ओर है इसकी बॉडी के तो उसे हम बोलेंगे एक्सोपिनेकोडम। तो जो इसकी पिनेकोसाइट्स जो सेल्स हैं ये इनमें सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है और इनका जो शेप है वो फ्लैटेंड है, चिपटा और पॉलीगोनल होता है इनका शेप। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंदर की ओर ये इनकरंट कैनाल की लाइनिंग बनाते हैं तो उसे एंडोपिनेकोडर्म कहते हैं। साथ ही साथ ये जो एंडोपिनेकोडर्म है स्पंज सील की इनर लाइनिंग को भी बनाता है, वहां पर भी ये मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि एंडोपिनेकोडर्म दो जगह मिलेगा, इनकरंट कैनाल की इनर लाइनिंग एंड स्पंज सील की इनर लाइनिंग में। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका जो अंदर फोल्ड है जिसे हमने इनकरंट कैनाल कहा, इनकरंट कैनाल बाहर की ओर एक पोर से खुलता है जिसे बोलते हैं ऑस्टियम। और ये जो ऑस्टियम है ये जो कैनाल सिस्टम है उसका मेन पार्ट है। तो उसको हम आगे डिटेल में जब कैनाल सिस्टम का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को जान लें। तो ऑस्टियम जो है उसको भी वहाँ पे कुछ और मेम्ब्रेन्स हैं जिससे बोलते हैं पोर मेम्ब्रेन, उनका बना हुआ है। और इन पोर मेम्ब्रेन में जो सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं मायोसाइट। और इन मायोसाइट का जो मेन फंक्शन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है, क्योंकि और ये स्ट्रेच कर सकती हैं। तो जो इसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये स्ट्रेच कर सकती हैं और अपना साइज को रिड्यूस कर सकती हैं, तो इस वजह से पानी को अंदर जाने में काफ़ी हेल्प मिलती है इसकी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इनकरंट कैनाल जो है वो रेडियल कैनाल के साथ में जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो है एक गेट है जिसे बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो इस गेट के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर रेडियल कैनाल के अंदर भी आपको उसकी एक लाइनिंग दिखाई दे रही है। अंदर की जो लाइनिंग है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स की कप लाइक सेल्स हैं ये, उसकी बनी हुई है। और इन सेल्स को बोलते हैं कोइनोसाइट्स। तो कोइनोसाइट्स जो हैं इसकी इनर लाइनिंग को बनाए हुए हैं। कोइनोसाइट का मेन फंक्शन इसके कैनाल सिस्टम में तो है ही है, साथ ही साथ ये गैमेट्स भी बनाते हैं, यानी कि ये स्पर्म बना सकते हैं और ओवा भी बना सकते हैं। फिर आप देखते हैं रेडियल कैनाल जो है स्पॉन्जोसील की ओर एक और गेट है जिसे एपोपाइल कह रहे हैं, एपोपाइल के थ्रू ये अंदर खुलता है। और फाइनली एक बहुत बड़ी इसकी गैस्ट्रिक कैविटी जिसे कि स्पॉन्जोसील कहा जाता है, स्पॉन्जोसील बाहर की ओर ऑस्क्यूलम से खुलता है। फिर हम देखते हैं इसकी जो पिनेकोसाइट्स हैं और इसकी कोइनोसाइट्स हैं, यानी कि बाहर से पिनेकोसाइट की लेयरिंग और अंदर से कोइनोसाइट की लेयरिंग के बीच में कुछ जिलेटिनस लाइक कुछ द्रव्य भरा हुआ है जिसे बोलते हैं मेसेनकाइम। और इस मेसेनकाइम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, एम्फीब्लास्टुला है इसके अंदर, इसके अंदर आपको ओवम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें कोलेनोसाइट्स इसकी सेल्स हैं वो होती हैं, इसके अलावा मोनेक्सोन स्पिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ स्केलेरोसाइट्स भी होते हैं इसमें, क्रोमोसाइट्स हैं। तो काफ़ी सारे जो सेल्स हैं वो इस मेसेनकाइम के अंदर होते हैं। तो
इस स्ट्रक्चर को भी आप कोशिश करें, आप इसको लर्न कर लें ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर लर्न करने में और भी आसानी हो जाए। सो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्काइफा जानने के बाद अब हम इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैनाल सिस्टम के फॉर्म में जानेंगे। तो जो कैनाल सिस्टम है स्काइफा का, ये इसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें कि पोर्स हैं और कैनाल्स बनी होती हैं और एक पर्टिकुलर वे में वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिस वजह से इसको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। और इस कैनाल सिस्टम की खासियत ये है कि इसी के थ्रू इसकी बॉडी में पानी एंटर होगा और पानी बाहर निकलेगा, और यही जो एंट्रेंस ऑफ वाटर है इसके थ्रू इसके कई सारी वाइटल एक्टिविटीज़ जो इसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं वो कम्प्लीट होती हैं। तो जो इसका कैनाल सिस्टम है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स की जो आउटर लाइनिंग है वो या तो पिनेकोडर्म की बनी होगी या फिर कोइनोडर्म की बनी होगी। पिनेकोडर्म की जो लाइनिंग है वो इसकी आउटर साइड को कवर किए हुए होगा, और जो कोइनोडर्म है इसकी जो इनकरंट कैनाल के बाद जो रेडियल कैनाल्स आती हैं उसकी अंदर की लाइनिंग को ये कवर किए हुए रहता है। और इन दोनों के बीच में, जैसा कि हमने फिगर में देखा कि मेसेनकाइम एक जिलेटिनस लाइक एक सब्सटेंस है, पदार्थ है जो इसके अंदर भरा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। और जो इसका कैनाल सिस्टम है वो साइकॉन टाइप होता है। और तो हम देखते हैं कि इसके कैनाल सिस्टम में और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसका कैनाल सिस्टम जो है स्टार्ट होता है ऑस्टिया से, जिसे कि डर्मल पोर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसे डर्मल पोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी डर्मल लेयर में है इस और बाहर की ओर है, इस वजह से इसको डर्मल पोर्स भी कहते हैं। तो जो इनकरंट कैनाल है उसकी आउटर ओपनिंग जो है ये ऑस्टिया होते हैं, और ये ऑस्टिया के पास में स्ट्रेच करने वाली कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं पोर मेम्ब्रेन। और ये जो पोर मेम्ब्रेन है इन्हीं के पास जो है और भी सेल्स हैं जिसे बोलते हैं मायोसाइट। तो ये मायोसाइट सेल्स जो कि हमने फिगर में देखी थी, इनका नेचर है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और साथ ही अपना जो स्ट्रक्चर है उसको या तो बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। इस वजह से पानी को अंदर जाने में और इसकी बॉडी में वाटर को मेंटेन करने में ये सेल्स बहुत हेल्प करती हैं। कैनाल सिस्टम में ऑस्टियम के बाद जो नेक्स्ट कैनाल सिस्टम का पार्ट है उसे इनकरंट कैनाल या इनहेलेंट कैनाल्स भी बोलते हैं। तो ये बाहर की ओर ऑस्टियम के साथ में जुड़ी होती है, आप या यूं कह सकते हैं कि ऑस्टियम नेक्स्ट जो है इनकरंट कैनाल से जुड़ा रहता है। इसकी जो इनर लाइनिंग है वो एंडोपिनाइकोडर्म की बनी होती है, जैसा कि हमने फिगर में देखा और यहाँ पर भी दिखाया गया है। इनकरंट कैनाल फिर एक डोर के थ्रू रेडियल कैनाल से जुड़ी होती है और उस डोर को बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कैनाल सिस्टम का वो है प्रोसोपाइल। तो फ्रेंड, ग्रीक में प्रोस का मतलब होता है नियर और पाइल का मतलब होता है गेट, यानी कि जो गेट के पास की जो कह सकते हैं डोर है उसे हम कह रहे हैं प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल ही वो कनेक्टिंग आप कह सकते हैं कि डोर है जो इनकरंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कि रेडियल कैनाल को इनकरंट कैनाल से जोड़ता है। तो इन जो ये प्रोसोपाइल हैं, यहाँ पे नीचे फिगर में आपको दिखाया गया है, ये दरअसल पोरोसाइट्स नाम की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर एक तरह से कैपिलरी की तरह होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इसके थ्रू ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद प्रोसोपाइल के बाद जो कैनाल सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल भी एक इन्वेजिनेशन है, यानी कि एक फोल्ड है अंदर की ओर जो साइकोन की बॉडी का आप कह सकते हैं एक तरह का फोल्ड है, और इसके अंदर की लाइनिंग जो है वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स की बनी होती है जिन्हें कोइनोडर्म कहते हैं, जैसा कि इसके नेक्स्ट फिगर में आपको फिगर नंबर जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहाँ पे देखें आप रेडियल कैनाल 4 पे, तो उसके अंदर आपको ये फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं जिसे कोइनोडर्म कहते हैं। तो इसकी पूरी इनर लाइनिंग इसी की बनी हुई रहती है। रेडियल कैनाल आप कह सकते हैं कि बाहर की ओर इनकरंट कैनाल के साथ में प्रोसोपाइल से जुड़ी होती है, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं।
उसके बाद ये अंदर की ओर फिर एक गेट है इसका, जिससे कि ये स्पॉन्जोसील में खुलेंगी उस गेट के थ्रू। उस गेट को बोलते हैं एपोपाइल्स। तो जो कैनाल सिस्टम का अब नेक्स्ट पार्ट है रेडियल कैनाल की बात, उसे कहेंगे एपोपाइल। नेक्स्ट कैनाल सिस्टम के पार्ट को एपोपाइल कहा जाता है। तो एपोपाइल जैसा कि हम जानते हैं कि ये रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील में ओपन होने के लिए एक वे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक रास्ता या डोर प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि ये एक पोर लाइक इनका स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से और बॉडी के अंदर होने की वजह से इन्हें इंटरनल ऑस्टिया भी बोलते हैं। और फाइनली एपोपाइल फिर स्पॉन्जोसील से जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट कैनाल सिस्टम के पार्ट जिसे कि स्पॉन्जोसील कहते हैं, इसका ग्रीक में स्पॉन्जोस का मतलब होता है स्पॉन्ज और कॉयलोस का मतलब होता है हॉलो, यानी कि ये एक तरह की खोखली स्पॉन्ज लाइक इसका स्ट्रक्चर है स्पॉन्जोसील का, इस वजह से इसका नाम स्पॉन्जोसील दिया गया है। इसका मेन फंक्शन जो है ये रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल को एक बेस प्रोवाइड करती है और बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी है। इसके साथ ही ये बाहर की ओर जो है एक और इसका पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम, जो कि हम फिगर में देख चुके हैं। ऑस्कुलम के जरिए ये बाहर की ओर ओपन होती है। तो कैनाल सिस्टम के अब नेक्स्ट पार्ट को हम कहेंगे ऑस्कुलम, जो कि स्पॉन्जोसील को बाहर की ओर ओपन करता है। तो ऑस्क्युलम में भी कुछ उसके रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होते हैं जिन्हें स्पिंक्टर्स बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरह के इसकी सेल्स हैं जो इसकी बॉडी में पानी के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। इन सेल्स को मायोसाइट्स कहा जाता है और इन सेल्स का भी नेचर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है, और साथ ही ये अपने आप को रिड्यूस कर सकती हैं और स्ट्रेच कर सकती हैं, जिस वजह से ये इसकी बॉडी में पानी के रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं। तो इस तरह से जो कैनाल सिस्टम है वो यहीं पे इसका कंप्लीट होता है, यानी कि कैनाल सिस्टम के थ्रू जो हमने इसके स्ट्रक्चर को जाना। तो उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें इन ब्रीफ। इसका कैनाल सिस्टम ऑस्टियम से शुरू होता है। ऑस्टियम जो है इनकरेंट कैनाल से जुड़ी हुई रहती हैं। इनकरेंट कैनाल फिर प्रोसोपाइल गेट के थ्रू इसकी रेडियल कैनाल से जुड़ी हुई रहती हैं। फिर रेडियल कैनाल एपोपाइल, जिन्हें कि इंटरनल ऑस्टिया भी बोलते हैं, उसके जरिए इसके स्पॉन्जोसेल्स में ओपन होते हैं। तो स्पॉन्जोसेल में जो है इसकी जो लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है उसे स्पॉन्जोसेल कहते हैं, और ये बाहर की ओर फाइनली ऑस्कुलम से ओपन होती हैं। तो इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक बार फिर से फिगर के थ्रू इस कैनाल सिस्टम को रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमें इसके बारे में और अच्छी नॉलेज हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप रेडी हैं एक बार फिर से इसके कैनाल सिस्टम को रिवाइज करने के लिए? तो चलिए करते हैं रिवाइज। तो इसका जो कैनाल सिस्टम है उसका सबसे पहला पार्ट, उसे बोलते हैं ऑस्टियम, जो कि इसकी डर्मल ओपनिंग है, आउटर डर्मल ओपनिंग है। इसी के थ्रू इसकी बॉडी में पानी अंदर जाता है, और इसकी जो लाइनिंग्स हैं, यानी कि जो इसकी ओपनिंग है, वहाँ पे कुछ थिन मेम्ब्रेन होती हैं जिन्हें कि पोर मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहीं पे इनके साथ ही जो है ये सेल्स मायोसाइट सेल्स कहलाती हैं। और इन मायोसाइट सेल का नेचर है कि कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, जिस वजह से ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हैं और अपने आप को रिड्यूस कर सकती हैं। इस तरह से ये पानी के अंदर के बहाव को ये मेंटेन करती हैं। इसके बाद ऑस्टियम अंदर की ओर एक इन्वेजिनेशन, जिसे कि इनकरण कैनाल कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ रहता है। इनकरण कैनाल की जो इनर लाइनिंग है आप देख सकते हैं, वो एंडोपिनेकोसाइट्स की या एंडोपिनेकोडर्म की बनी हुई है। फिर इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल एक गेट है जो कि पोरोसाइट सेल्स से बनी हुई है। उसके अंदर ये एक ट्यूब लाइक कह सकते हैं फाइन कैपिलरी है, जिसके थ्रू ये प्रोसोपाइल के जरिए रेडियल कैनाल से जुड़ी हुई रहती है इनकरेंट कैनाल। और फिर आप देख रहे हैं कि रेडियल कैनाल इसकी जो इनर लाइनिंग है, आप फिर से आप यहाँ पे देखें कि ये कोइनोसाइट जो कि कॉलर लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनकी बनी हुई है। रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसील से फिर एक और गेट, जिसे कि एपोपाइल कहते हैं या इसे इंटरनल ऑस्टिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इसकी बॉडी के अंदर है इस वजह से, तो ये एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में खुलती है। और स्पॉन्जोसील इस स्पॉन्ज की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कैविटी है, जो कि इसके इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को एक बेस प्रोवाइड करता है, और फाइनली ये बाहर की ओर जो है ऑस्कुलम से ओपन होता है। तो इस तरह से ये इसका पूरा कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो आप इसके फिगर के जरिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इसको जानेंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट सेल्स हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस सेक्शन में वे ऑफ वाटर फ्लो जो है, यानी कि पानी का बहाव बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर, वो किन किन वे से होते हुए निकलता है वो दिखाया गया है। तो ये इसमें वही सब वेज हैं जो हमने कैनाल सिस्टम में पढ़े हैं। तो जैसे आउटसाइड वाटर है वो बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा और उसके बाद वो इनकरंट कैनाल में जाएगा, इनकरंट कैनाल से फिर प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल में जाएगा और रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल में जाएगा और एपोपाइल से होते हुए वो स्पॉन्जोसिल में एंटर करेगा और स्पॉन्जोसिल से फाइनली ऑस्क्युलम में एंटर करेगा और ऑस्क्युलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी बॉडी का वे ऑफ वाटर फ्लो है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देन आउटसाइड। सो द लास्ट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द स्काइफा इज कॉल्ड एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका बॉडी किस तरह की सेल्स की बनी हुई है। तो मॉर्फोजेनेसिस की जो स्टडी है स्काइफा की, वो ये बात सामने लाती है कि इसकी बॉडी दो तरह की डर्मल लेयर की बनी है जिसके बीच में मीजेनकाइम एक द्रव्य भरा होता है। तो वो जो दो डर्मल लेयर हैं उन्हें बोलते हैं पिनेकोडर्म और पिनेकोसाइट और दूसरा कोइनोडर्म और कोइनोसाइट्स। इनके बीच में जो है ये जिलेटिनस लाइक एक सब्सटेंस है या पदार्थ है जो इनके बीच में भरा होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के लिए। सबसे पहले पिनेकोडर्म के बारे में हम जानेंगे। तो पिनेकोडर्म की सेल्स कुछ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो है फ्लैट पॉलीगोनल और चपटी होती हैं और इनमें जो है हर एक में इसमें न्यूक्लियस मिलेगा और जो ये सेल्स हैं इनमें बीच में से एक बल्जीनेस यानी कि एक उभार सा निकला हुआ दिखाई देता है। तो ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। पिनेकोडर्म की जो लेयरिंग है वो इसकी पूरी बॉडी की जो कवरिंग है उसको कवर अप किए रहते हैं और साथ ही जो इनके बीच में मीजेनकाइम भरा रहता है उसका एक्सटर्नल मीडियम के साथ में रिलेशन को ये बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पिनेकोडर्म है इसकी भी अपनी दो तरह की और सेल्स हैं जिसे एक्सोपिनेकोडर्म या डर्मल एपिथेलियम कहते हैं और दूसरा है एंडोपिनेकोडर्म। तो एक्सोपिनेकोडर्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसकी आउटर डर्मल लेयर को ये कवर अप किए रहती हैं जिस वजह से इनका नाम एक्सोपिनेकोडर्म है। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये इसकी ऑस्टिया और ऑस्क्युलम वाली लेयरिंग पे ये सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद जो एंडोपिनेकोडर्म है ये इनकरंट कैनाल की इनर लाइनिंग और इसके साथ ही साथ जो स्पॉन्जोसील है उसकी इनर लाइनिंग में एंडोपिनेकोडर्म सेल्स पाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, जो पिनेकोडर्म सेल्स हैं उनकी भी अपनी कुछ खासियत है, जैसे कि ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल इनका नेचर होता है और इस वजह से ये अपने आप को रिड्यूस कर सकती हैं, साथ ही अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हैं, जिस वजह से ये स्पंज की बॉडी की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंगली ये अपना साइज चेंज कर सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पिनेकोसाइट्स जो सेल्स हैं इनकी भी जो है कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि ये सेल्स भी दूसरी सेल्स को बनाती हैं जैसे पोरोसाइट सेल्स और इसके साथ ही मायोसाइट सेल्स। तो पोरोसाइट सेल्स के बारे में जैसे हमने कैनाल सिस्टम में पढ़ा कि इसके अंदर प्रोसोपाइल नाम के जो है कुछ सेलुलर चैनल्स हैं या कह सकते हैं कैपिलरीज हैं जिसके थ्रू इनकरंट कैनाल रेडियल कैनाल से या रेडियल कैनाल इनकरंट कैनाल से जुड़ा हुआ रहता है। और मायोसाइट सेल्स के बारे में हमने देखा था कि ये ऑस्टियम के पास में और प्लस ये ऑस्क्युलम के पास में भी ये सेल्स हैं जो कि एज ए स्फिंक्टर ये वहाँ पे वर्क करती है, यानी कि पानी के इंग्रेशन और इसके इंग्रेशन यानी कि पानी के अंदर जाने को और पानी के बहाव को बाहर जाने में ये उसके वॉल्यूम को ये मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट जो स्पंज की डर्मल लेयर है उसे बोलेंगे कोइनोडर्म और इन कोइनोडर्म सेल्स को हम फिगर में देख चुके हैं कि ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें आपको आप देख सकते हैं कि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, साथ ही इसमें कॉलर न्यूक्लियस रिजर्व फूड है और इसके साथ ही काइनेटोप्लास्ट ब्लिफेरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म भी है इसमें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि
इनके अंदर आप देख सकते हैं कि फूड भी है, तो इस वजह से ये एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं इस एनिमल को, और साथ ही साथ ये सेल्स अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकती हैं। मॉडिफाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोइनोडर्म की जो सेल्स हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई करके इसके गैमेट्स भी बनाती हैं, जैसे स्पर्म और ओवा। डर्मल सेल्स के बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में, यानी कि जो पिनेकोडर्म है और कोइनोडर्म है, उसके बीच में कुछ जिलेटिनस ग्लू लाइक सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस को मीजेनकाइम कहा जाता है। तो मीजेनकाइम के अंदर भी मैंने बताया कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स मॉडिफाई होकर के कई डिफरेंट तरह की वो सेल्स और बनाती हैं। तो सबसे पहले हम इनमें आर्क्योसाइट नाम की सेल्स के बारे में जानेंगे। तो आर्क्योसाइट्स जो सेल्स हैं, वो मेनली इसकी गैमेट सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप कह सकते हैं एक तरह से ये इसकी जर्म सेल्स हैं जो इसके गैमेट्स बनाती हैं, जैसे ओवा और स्पर्म। और इन जो सेल्स का जो नेचर है, वो रीजेनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं। इसके साथ ही ये टोटिपोटेंट है। टोटिपोटेंट इनका नेचर होने का मतलब है कि अपने आप को ये दूसरी सेल्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। इसके बाद जो मीजेनकाइम में मिलने वाली सेल हैं, उनको कोलनसाइट कहा जाता है। ये जो कोलनसाइट सेल्स हैं, ये इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू का काम करती हैं। नेक्स्ट सेल को बोलेंगे क्रोमोसाइट, और इन सेल्स का नेचर है क्योंकि ये पिगमेंटेड अमीबोसाइट लाइक, या कह सकते हैं कि अमीबा लाइक ये सेल्स हैं, और इनमें एक लोब टाइप का निकला रहता है, जिसे एक स्यूडोपोडिया आप कह सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सेल्स हैं, उसे बोलते हैं थीसोसाइट, और ये जो थीसोसाइट सेल्स हैं, इनमें रिजर्व फूड होता है, तो इस वजह से ये एक तरह से इसके लिए रिजर्व फूड स्टोर करने का करने वाली सेल्स की तरह का ये वर्क करती हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे आर्कियोसाइट सेल, आप देख सकते हैं कि कुछ अमीबा लाइक सेल हैं और इनके बीच में न्यूक्लियस है। इसी तरह से कोलनसाइट सेल्स को आप देख रहे हैं कि ये कुछ हेक्सागोनल लाइक सेल्स हैं, और साथ ही आप क्रोमोसाइट सेल्स भी देख रहे हैं, जिसमें कि एक सिंगल लोब जो कि स्यूडोपोडिया लाइक है, उस तरह का निकला हुआ है, साथ में इसमें भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो मीजेनकाइम में मिलने वाली सेल्स हैं, उन्हें मायोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो मायोसाइट सेल्स के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जैसे कि ये ऑस्टिया के पास में, और साथ ही जो इसका ऑस्क्यूलम है, वहाँ पे भी ये सेल्स मिलती हैं। तो इनका मेन नेचर, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर है, यानी कि अपने अपने साइज को ये घटा और बढ़ा सकती हैं, तो इस वजह से ये पानी के बहाव को इसकी बॉडी में अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर जाने में ये इसकी बॉडी में की रहती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स हैं, उन्हें स्केलेरोसाइट्स बोलते हैं। तो स्केलेरोसाइट्स जो हैं, इसकी बॉडी में जो ब्रिसल लाइक अपेयरेंस जो देती हैं, यानी कि जो निडल लाइक जो स्पिक्यूल्स हैं कांटे की तरह, उनको ये सेल्स बनाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स हैं, उन्हें ग्लैंड सेल्स कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड सेल्स हैं, ये इसकी बॉडी से एक सिक्रीशन इनसे निकलता है, जिस जो इसको किसी भी सबस्ट्रेटम, यानी कि किसी भी आधार से चिपकने में इसका सिक्रीशन उसे हेल्प करता है। और लास्टली जो इसकी मीजेनकाइमल सेल्स हैं, उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। और ये जर्म सेल्स जो हैं, इसकी आर्कियोसाइट जो सेल्स हैं, उन्हीं के थ्रू ये बनी होती हैं, और जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसके लिए गैमेट्स बनाती हैं, जैसे ओवा और स्पर्म। तो सिर्फ आर्कियोसाइट सेल्स ही, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको फिगर में डिस्क्रिप्शन के दौरान, कि आर्कियोसाइट सेल्स ही सिर्फ इसकी गैमेट्स नहीं बनाती, इसके अलावा जो इसकी कोइनोसाइट्स की जो सेल्स हैं, यानी कि जो कोइनोडर्म वाली जो सेल्स हैं, वो भी अपने आप को मॉडिफाई करके इसके गैमेट्स बनाती हैं, जैसे स्पर्म और ओवा। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ इनके फिगर्स दिखाए गए हैं कि किस तरह की ये सेल्स दिखाई देती हैं, जैसे मायोसाइट सेल्स, इसके बाद स्केलेरोसाइट सेल, और साथ ही इसमें स्पर्म और एग सेल भी यहाँ पे दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्काइफा विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी विद कैनाल सिस्टम एंड फाइनली इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। थैंक यू।